हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेरा विराट आप सबका स्वागत करता हूं टेक्नोबाजी में। दोस्तों, आप बूटेबल पेन ड्राइव किस तरह से तैयार करते हैं, कंप्यूटर से, लैपटॉप से? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी बूटेबल विंडोज़ के लिए या फिर उबंटू के लिए पेन ड्राइव तैयार कर सकते हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा और आप अपने स्मार्टफोन से भी बूटेबल पेन ड्राइव तैयार कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार, जब हमारे पास सिस्टम ही है, हम पेन ड्राइव तैयार कर सकते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से, तो हम मोबाइल से क्यों रिस्क लें? दोस्तों, सपोज कीजिए कि आपके पास जो सिस्टम है वो बूट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास कोई दूसरा सिस्टम भी नहीं है कि जिससे आप बूटेबल पेन ड्राइव तैयार कर सके, और आपने पहले से ही कोई बूटेबल पेन ड्राइव तैयार नहीं कर रखी है, तो ऐसे में आपका स्मार्टफोन ही आपके लिए लाइफ सेवर साबित हो सकता है। आपको वीडियो में बताए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और आप अपने स्मार्टफोन से बूटेबल पेन ड्राइव तैयार कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और फुली चार्ज होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर तकरीबन आपको 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक का समय लग सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने स्मार्टफोन को फुली चार्ज करें। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक ये OTG केबल। इस OTG केबल को आपको अपने सिस्टम के अंदर लगाना होगा, मोबाइल में लगाना होगा, और एक चाहिए होगी पेन ड्राइव जिसे आपको बूटेबल बनाना होगा। तो आपको इस OTG केबल के अंदर इस पेन ड्राइव को इस तरह से अटैच करना होगा, और अटैच करने के बाद आपको आपके मोबाइल के अंदर इसे प्लग करना होगा। इसके बाद आपको चाहिए होगी विंडोज़ की या फिर उबंटू की, जो भी आप बूटेबल पेन ड्राइव जिसकी बनाना चाहते हैं, उसकी एक ISO इमेज। ISO इमेज आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज 10 के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको गूगल सर्च करना होगा विंडोज 10 डाउनलोड। पहला ही लिंक आपके सामने जो आएगा उसको आपको ओपन करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले एडिशन सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर आपको एडिशन सेलेक्ट करना है, जो भी लेटेस्ट एडिशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आपको लैंग्वेज के ऑप्शंस मिलेंगे, तो इंग्लिश इंटरनेशनल या फिर इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं उसमें चूज कर लीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने 32-bit या फिर 64-bit के डाउनलोड के ऑप्शंस आ जाएंगे। इसी के साथ आप 32-bit या फिर 64-bit जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो विंडोज डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप किसी दूसरे सिस्टम से अपने मोबाइल के अंदर विंडोज की ISO इमेज को भी कॉपी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। और वैसे अगर आप उबंटू या लिनक्स मिंट की बूटेबल पेन ड्राइव तैयार करना चाहते हैं तो इनके ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। अब सिंपली आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा, वहां पर ISO टू USB का आपको एक सेटअप डाउनलोड करना होगा। बहुत ही छोटा सा सेटअप है, इसे आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये जो आपने OTG केबल के अंदर पेन ड्राइव फंसाई हुई है इसको आपको आपके मोबाइल के अंदर प्लग करना होगा। प्लग करने के साथ ही आपकी पेन ड्राइव वो सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा। अगर ये फॉर्मेट के लिए आस्क करता है, आपसे पूछता है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग्स में आना होगा, स्टोरेज के अंदर आना होगा, और यहां से आपको अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना होगा। फॉर्मेट करने के बाद आपको वापस से ISO टू USB के सेटअप को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको यहां पर आपकी पेन ड्राइव का नाम दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो आपको पिक करना होगा, पिक करके आप अपनी पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड ऑप्शन आता है ISO इमेज का, तो यहां से पिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है आपको, और जहां पर आपने ISO इमेज को सेव कर रखा है या डाउनलोड कर रखा है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर्मेट का, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। ध्यान रखना है कि आपके पेन ड्राइव में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट होने वाली है, ठीक है। इसके बाद सबसे नीचे आपको लास्ट में स्टार्ट बटन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के साथ ही आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, क्योंकि इस टोटल प्रोसेस के अंदर तकरीबन आपको आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक का टाइम लग सकता है। तो रिलैक्स कीजिए, बैठ जाइए, मोबाइल को रख दीजिए और ISO टू USB को अपना काम करने दीजिए। थोड़ी ही देर के अंदर आपकी पूरी विंडोज की जो इमेज है वो आपकी पेन ड्राइव के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी और आपकी बूटेबल पेन ड्राइव रेडी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो जरूर यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहां पर PC की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, जय हिंद।